हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल प्रसामिक्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एवरी मंडे और थर्सडे को एक वीडियो अपलोड करती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल हिट कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मेरे वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अभी तीज से रिलेटेड वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, तो ये उसका एक नेक्स्ट पार्ट है। और इसमें मैं इसमें दिखाने वाली हूँ कि मैंने तीज की पूजा कैसे की। अलग अलग लोग अलग तरीके से पूजा करते हैं, सबकी अपनी विधि होती है, सबके अपने तरीके होते हैं, तो मैंने कैसे की मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ कि मैंने किस सामग्री से पूजा की, कैसे की। तो देखिए, मैंने पूजा सामग्री सब एक प्लेट में रख ली है। तो देखिए, सिंदूर है, गंगा जल है, दही है, दूध है, कच्चा दूध है, ये पीला चंदन है, ये रोड़ी, ये भांग और ये अच्छत के लिए थोड़ा सा चावल, ये तुलसी पत्ते हैं, ये आम का पत्ता है और ये पान पत्ते हैं, भांग, धतूरा और ये कसैली है। तो भांग और धतूरा, क्योंकि हम शिव और पार्वती की पूजा करने वाले हैं तो शिव जी को भांग और धतूरा बहुत पसंद है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने भांग, धतूरे का फूल और धतूरे का फल ले लिया है। साथ में रखे थोड़े बेलपत्र और धूप, और अपने पसंद के अनुसार जो भी आप फल रखना चाहते हैं या उस समय जो मौसम के फल हों वो रख लीजिए। विशेष रूप से यहाँ पे अनारसा और चौरेट और गुजिया, खजूर, ऐसी चीज़ें रखी जाती हैं, पर मेरे यहाँ ये बनता नहीं है तो हमने मार्केट से लेकर ही रख लिया है ये। और जो भी मिठाइयाँ आपको पसंद हो वो रख लीजिए, थोड़ा सा फूल और ये रहा थोड़ा सा गंगा जल और पानी जिससे हम कलश स्थापना करेंगे। ये धूप, दीप, पाती और यहाँ आसन पे हमने शिव जी को विराजमान कर दिया है और इनकी पूजा करने वाले हैं। तो ये रहा दान का सामान, जो विशेष रूप से तीज में सुहाग की चीज़ों का दान दिया जाता है अखंड सौभाग्य और सुहाग के लिए। तो ये रहा मेरा और मेरी मम्मी का दान का सामान, और ये रहा हमारे इस्तेमाल के लिए जो हम यहाँ पर रख के पूजा करते हैं सुहाग की चीज़ों की, और इससे फिर साल भर अपने उपयोग में लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस प्रकार पूजा की है। तो यहाँ पे मैंने गाय के गोबर से शिव और पार्वती की स्थापना कर ली है और इसी की पूजा की जाएगी, और इसे सुबह पारण करने से पहले इसका विसर्जन किया जाएगा पूजा करके, और उसके बाद ही कुछ पानी या अन्य जल ग्रहण करना है जो उसके बाद ही किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस प्रकार पूजा कर रही हूँ। मैं पहले से कलश स्थापना करूंगी, तो कलश स्थापना करने के उसमें थोड़ा सा अच्छत, थोड़ा सा पीला चंदन, थोड़ा सा गंगा जल और फिर जो कसैली होती है पान वाली, पान के साथ वो कसैली डालकर और उसमें आम किस तरह से पत्ता रखकर हम एक कलश स्थापना करेंगे, और उसके बाद फिर हम शिव की अभिषेक करेंगे और शिव और पार्वती की पूजा करेंगे और तीज की व्रत कथा पढ़ेंगे और फिर अंत में आरती करेंगे।
इसी तरह आरती करके हमने अपनी पूजा समाप्त की। तो ये जो मंडप आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैंने अपने चैनल पे इसका वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है कि मैंने इसे कैसे बनाया है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिए। और आगे आने वाले त्यौहार जैसे दुर्गा पूजा और दिवाली पे ये मंडप घर पे बना के आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।